के अंदर होल ड्रिल करने के लिए, रीबार डालने के लिए हम इस ड्रिलिंग मशीन का यूज़ करते हैं, जिसमें हम बीट लगाते हैं डिफरेंट डाया का। अगर हमें 16 का स्टील डालना है तो 20 डाया का ड्रिल हम यूज़ करते हैं, अगर हमको 12 का स्टील डालना है तो 16 मिली का ड्रिल हम यूज़ करते हैं। डिफरेंट हाइट का हमको, मतलब विड्थ का हमको होल करना पड़ता है। अगर हमको 16 का स्टील डालना है तो हमको इसके अंदर एक केमिकल लगाना पड़ता है, तो उस केमिकल के हिसाब से हमको होल उतना ही करना पड़ता है। अगर हम 16 सेंटी का स्टील डालने वाले तो उसके लिए हमें मिनिमम 8 सेंटी का होल करना पड़ता है, 8 सेंटीमीटर का होल करना पड़ता है, और उसके ऊपर फिर केमिकल लगा के स्टील को ओवरलैप करते हैं दोनों साइड से। जैसे इस साइड भी है, इसमें एक बीम आ रहा है, उसको हम कहते हैं स्टीफनर बीम। और ये जो छोटा कॉलम है ऊपर से नीचे जो देख रहे हो आप, इसको स्टीफनर कॉलम कहते हैं। ये यूजुअली ब्लॉक वर्क में यूज़ होते हैं। यहाँ पे एक और छोटा कॉलम मैं दिखाता हूँ, ये भी स्टीफनर कॉलम है, और यहाँ पे इसके ओपनिंग के लिए जो बीम बनता है उसको हम स्टीफनर बीम कहते हैं। यहाँ पे देख लो, ये बीम जो है ये स्टीफनर बीम है, और ये कॉलम जो है ये स्टीफनर कॉलम है। और इसी तरह से यहाँ ये हमारा ब्लॉक वर्क हो गया, ब्लॉक वर्क के नीचे एक बीम बना हुआ है कॉन्क्रीट का, ये भी स्टीफनर बीम है, इसके नीचे एक ओपनिंग है। तो इसी तरह से दोस्तों ये कॉशन रिपोर्ट्स है जो सेफ्टी के लिए होती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक स्टीफनर कॉलम है और एक स्टीफनर बीम है। यहाँ पे ये डोर की ओपनिंग है, इसके ऊपर भी एक स्टीफनर बीम आने वाला है, जिसका बाइंडिंग अभी ड्रिलिंग हो गया है, अब स्टील इसमें डालना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों आज की वीडियो में, और आपको मैं दिखाता हूँ कुछ सेफ्टी की नोटेशंस होती है, हर जगह सेफ्टी के बारे में लिखा हुआ होता है। तो ये देख लो, माइंड योर हेड, मतलब यहाँ पे वार्निंग क्या है, माइंड योर हेड, इसका मतलब हुआ यहाँ पे ऊपर से कोई चीज़ होगी जिससे हमें बचना पड़ेगा। हाई नॉइज़ लेवल, ये एक और क्वेश्चन है सेफ्टी का, मतलब यहाँ पे नॉइज़ का ज़्यादा लेवल होगा तो आपको ईयर प्लग कानों में लगाने पड़ेंगे ताकि आपको कोई इफेक्ट ना पड़े उसका। ये हमारा ब्लॉक वर्क यहाँ हो चुका है। इधर मैं आपको एक ओपनिंग के लिए फिर से दिखाता हूँ, ये स्टीफनर कॉलम और स्टीफनर बीम लगे हुए हैं। इसी तरह से इधर ये एक और स्टीफनर बीम है, ये स्टीफनर कॉलम है, छोटा कॉलम। इसी हिसाब से यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बस आपको जनरल ये सिखाने वाला था। यहाँ पे ये जो है ये एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी काम होता है तो वो डस्ट वगैरह निकलता है, उसको निकालने के लिए एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। ये ब्लॉक वर्क उधर चल रहा है, और ये जो स्कैफोल्ड है इसको हम अल्मोनियम स्कैफोल्ड कहते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा इसका, ये हमारा अल्मोनियम स्कैफोल्ड है, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं।